नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास। ग्राम देरवालिया में बेनी नदी पर पुल नहीं, बरसात में ग्रामीण हो रहे परेशान। पार्टी नगर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम देरवालिया में बेनी नदी पर पुल नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में सर्वाधिक परेशानी गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए ले जाने के दौरान होती है। देरवालिया निवासी ब्यान सिंह पटेल ने बताया कि आजादी के 70 साल बाद भी उक्त नदी पर पुल का निर्माण नहीं करवाया जा सका। ग्रामीण द्वारा 4 साल से मांग कर रहे हैं। नदी पर पुल निर्माण को लेकर जिला प्रशासन, आरएस विभाग सहित क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्र सांसद को भी आवेदन देकर गुहार लगाई। उनसे आश्वासन मिला पर उस पर अमल नहीं हो सका। पुल नहीं होने की वजह से ग्रामीण लगभग 12 किलोमीटर का चक्कर लगाकर पार्टी कस्बा पहुंचना पड़ता है। वर्तमान में नदी का बहाव कम है, इसकी वजह से स्थानीय ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करके निकल जाते हैं। नदी के आसपास देरवालिया समेत एक दर्जन गांव रानीपुरा, चारपटिया, गारा, भैसारी, कुंभखेत, रोशमाल, रामगढ़ सहित कई गांव के लोग पार्टी से इन गांवों में जाने के लिए इस नदी से गुजरते हैं। बेनी नदी पर पुल नहीं होने से बच्चों को नहीं मिल रही शिक्षा। बारिश के समय स्कूली बच्चे भी 5 से 6 दिन स्कूल नहीं जाते, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही। वहीं किसानों को बाजार से खाद बीज लाने के लिए भी काफी परेशान होना पड़ता है। ठीक है, मेरा नाम ब्यान सिंह पटेल है। मैं ग्राम देरवालिया में रहने वाला हूँ और हमने इस नदी के लिए और ये इस नदी का जो पुलिया नहीं होने से हमको बहुत परेशानी होती है। इसलिए हम 2016 से लगातार 4 सालों तक हम मांग करने के लिए कलेक्टर ऑफिस, आरएस विभाग और हर प्रशासन से, जनप्रतिनिधि से हमने आवेदन दिए थे, लेकिन आज तक 4 सालों तक हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ है। और इस गांव में जो पुलिया बनने से और अन्य 4-5-6 गाँव तक जोड़ते हैं। और हमने इस नदी में जो बहाव, जो नदी भर जाने से हमारे गांव में जो बीमार लोग होते हैं तो उनको बहुत परेशानी होती है। हमको इलाज करवाने के ले जाने की नदी भरने से हमको झोली बना के लेते खाट पे बैठा के ले जाना पड़ता है। और हमारे जो बच्चे हैं स्कूल भी हमारे 6ठी से 8ठी तक इस पार है, तो बच्चे पूरी बरसात में जो नदी भरने से वो बच्चे भी स्कूल में नहीं जा पाते। अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों की उड़ी धज्जा। पार्टी अनुविभागीय अधिकारी सुश्री अंशु चावला ने 14 जुलाई को आदेश जारी किया था, जिसमें उल्लेख था कि होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे के व्यापारी अपनी दुकान में किसी भी व्यक्ति को दुकान के अंदर नाश्ता करने की अनुमति व खाना खाने की अनुमति नहीं देंगे। व्यापारी दुकान के अंदर बैठा कर नाश्ता नहीं कराएंगे। वहीं ग्राहकों के पास पार्सल से नाश्ता पहुंचेगा। दुकान के अंदर बैठक की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसी के आदेश की पार्टी नगर के होटल व्यापारी धज्जा उड़ा रहे। पार्टी के होटलों की हर दुकान पर दुकानदार बैठक की व्यवस्था कर रहा है। आने वाले ग्राहक को दुकान में बैठा कर नाश्ता करा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों का पार्टी में होटल व्यापारियों का कोई महत्व नहीं। 15 जुलाई को पार्टी तहसीलदार आशा परमार ने होटल व्यापारियों की बैठक बुलाई थी, जिसमें स्पष्ट निर्देशित किया था कि होटल के ग्राहकों के लिए बैठक व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाश्ते के लिए मुंह मास्क हटाना पड़ता है, जिससे कोरोना फैलने का डर है। आम लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने यह निर्णय लिया था। पार्टी क्षेत्र के ग्राम पिपरकुंड में कामत फलिया के 2 कोरोना पॉजिटिव पिछले ही दिन मिले, जिनका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। इसके बावजूद पार्टी नगर में के लोगों को कोरोना महामारी का कोई भय नहीं है। व्यापारी सिर्फ पैसे के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे, महामारी से ज्यादा पैसे का महत्व व्यापारी के लिए सर्वोपरि है। बैंक ऑफ इंडिया के बाहर उड़ी सोशल डिस्टेंस की धज्जा, जिम्मेदार पल्ले झाड़े। पार्टी कोरोना वायरस के तहत जारी प्रशासन की छूट के साथ कुछ शर्तों को पालन करने के लिए भी गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन लोगों की ओर से इसका पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसा ही मामला पार्टी में बोकराटा रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया के बाहर देखने को मिला, जब लोग शारीरिक दूरी के नियम को न अपना कर बैंक के गेट के बाहर जमवाड़ा बनाए हुए थे। वहीं बहुत से लोगों को सोशल डिस्टेंस न अपना कर मुंह पर मास्क तक भी नहीं लगाए। ऐसा ही करके जहां लोग अपने आप को संक्रमण की पकड़ में आने के लिए आह्वान दे रहे, वहीं बैंक के मुख्य गेट के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड के पास सैनिटाइजर और हाथ धोने का साबुन भी नहीं था।
पाटी में क्षेत्र में हाल में ही कोरोना वायरस के 2 मरीज मिले, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। क्षेत्र में कोरोना फैलने के बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वहीं कोरोना जैसी महामारी को न्योता दे रहे हैं। हम बता दें कि पाटी तहसील के ग्राम पिपरकुन कामत फैला में 27 वर्ष महिला व 5 वर्ष बालक कोरोना पॉजिटिव मिले, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैली थी। इसके बाद भी पाटी बैंक ऑफ इंडिया में इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, लोग नहीं दे रहे सहयोग। बैंक मैनेजर का कहना है कि बैंक में आने वाले हर आम व खास व्यक्ति में देश में फैली कोरोना महामारी के बारे में जागरूक किया जा रहा है। मुख्य द्वार के अंदर एक कर्मचारी को सैनिटाइजर कर तैनात किया है, जो कि बैंक में आने वाले हर व्यक्ति को सैनिटाइज किया जाता है। मुख्य गेट पर ही उनके द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंस में जाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, वहीं लोग उनके सहयोग नहीं दे रहे। इस मामले में गंभीरता लेते हुए बैंक को बाहर लोगों की शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए सख्त आदेश देंगे। उपभोक्ताओं ने बताया है कि 5 दिन से बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बैंक रोज कोई न कोई बहाना बनाकर वापस घर भेज देता था। ऐसे ही 5 दिन से बैंक का चक्कर काटना पड़ा है, आज भी सुबह से लाइन में खड़ा हूं। वहीं कोरोना महामारी से भी डर लगता है, लेकिन पैसे निकालना निकासी करना भी जरूरी है। आवश्यक काम होने से जान दांव पर लगाकर लाइन में खड़ा हूं। बैंकों में पैसे लेने के लिए कितना समय हो गया लाइन? हम तो लाइन लगकर सुबह से थे और 4-5 दिन हो गए लाइन लगे, तो कहीं पैसे नहीं मिलते। क्या बोलते बैंक वाले? बैंक वाले बोलते लाइन लगा, लाइन लगाए तो फिर पैसे तो जब हम भागा देते हैं तो लाइन लाइन लगे। बीमारी आने के बाद भी तुम एक साथ में खड़े हो चिपक के? नहीं, दूर दूर भी खड़े थे, बाकी यार क्या करे। ये पंपने से पेशेंट डांट से बहुत आ जाती बीमारी लग जाएगी, बीमारी लगे तो दूर रहेगा।